अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लो ऑयल के साथ एकदम हेल्दी पोहा की रेसिपी। और पोहा तो सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अगर इसे ना सही तरीके से बनाया जाए तो पोहा से ज़्यादा हेल्दी डाइट में और कुछ भी नहीं है। और ये एकदम लो कैलोरी के साथ होता है, प्लस ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारा। तो चलिए यहाँ पर हम कम तेल के साथ एकदम टेस्टी वाला और हेल्दी पोहा बनाते हैं और जानते हैं क्या क्या है इसके इंग्रीडियंट्स। तो पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो इसे बहुत लोग पीनट भी कहते हैं, सिंग दाना भी कहा जाता है इसे। तो मैं इसे सबसे पहले ड्राई रोस्ट करूँगी और ये 1 से 2 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी वाला एकदम ड्राई रोस्ट हो जाएगा, जिस तरीके का हम अच्छे से डीप फ्राई करते हैं एकदम वैसा वाला क्रिस्पी हो जाएगा करूँगी। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए थे और ये अच्छा वाला एकदम ड्राई रोस्ट हो गया है। बस इसको इसी टाइम मैं गैस का फ्लेम करूँगी ऑफ और एक बर्तन में निकाल कर इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। तो फिर से मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें अब मैं 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ 5 लोगों के लिए पोहा बना रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने 2 चम्मच ही तेल डाला है। उसके बाद 1 टीस्पून हम डाल देंगे राई और साथ ही मैं करी पत्ता डाल दे रही हूँ। तो करी पत्ता और राई का तो एकदम टेस्टी पोहा में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको एकदम मैं फाइनली चॉप कर दिया है मैंने अच्छे से। तो अब इसको डालने के बाद अच्छे से मैं इसे चलाऊंगी और कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसे मैं तब तक भूनूंगी जब तक ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो गए थे और प्याज का कलर हल्का वाला चेंज हो गया है, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है इसका कलर। तो बस इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 आलू, जिसको मैंने 2 मिनट तक पानी में बॉईल कर लिया था। तो ये जो है 60% आलू गल गया है, तो इसको भी मैंने ऐसे कट कर लिया है बारीक। और उसके बाद इसको भी डालकर हम अच्छे से इसे चलाएंगे। और अब आलू और प्याज डाल दिया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और उसको डालने के बाद मैं कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साथ में ही हल्दी पाउडर, तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालूँगी। तो चाट मसाला का टेस्ट जो है वो पोहा में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको मैं कम से कम 1 मिनट तक भूनूंगी ताकि सारे मसाले अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ देखिए 1 मिनट हो गया था और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 बड़ा टमाटर, जिसको मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है। और इसको भी डालने के बाद इसको अब मैं सब चीज़ों के साथ मिलाऊँगी और कम से कम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ढक कर छोड़ दूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। तो 1 हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, आप चाहे तो साबुत हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए थे, प्याज आलू टमाटर सब अच्छे से गल गया है। और अब इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोहा। तो पोहा को मैंने पहले ही अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया था ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए। और जब पोहा का जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही अलग अलग और खिले खिले पोहा बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था पहले ही और मैंने पोहा अब डाल दिया है। और हाथों की हेल्प से मैं इसे और अलग कर दूंगी क्योंकि स्ट्रेनर का शेप ले लिया था ये। तो बस इसे मैं सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कम से कम 2 मिनट तक इसे एकदम लो फ्लेम पर मैं पका लूँगी ताकि पोहा जो है सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें जो नमक है हर तरफ अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए पोहा बिल्कुल रेडी हो गया है बनकर और एकदम बिल्कुल लो ऑयल के साथ है। आपने वीडियो में देखा ही, बिल्कुल मैंने एकदम 1 चम्मच तेल में सिर्फ इतना 5 लोगों के लिए पोहा बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बिल्कुल डाइट वालों के लिए एकदम परफेक्ट है ये। और ट्रस्ट मी, टेस्ट में आपको कोई चेंज नहीं लगेगा, बिल्कुल वैसे ही टेस्टी लगेगा जैसा हम एकदम एक्स्ट्रा ऑयल में बनाते हैं।
रेसिपी। तो आप जो है इस पोहा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पोहा की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है, जो मैंने पीनट्स ड्राई रोस्ट करके रखे थे और साथ में थोड़ा सा मैंने सेव डाल दिया है। तो इन्जॉय कीजिए इस पोहा की रेसिपी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।